हेलो गाइस, मेरा नाम है शाकिब और आप देख रहे हैं techhoop.com। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग M31S और वन प्लस नॉट के बारे में। दोनों ही फ़ोन में अलग अलग लेवल का प्रोसेसर मिलता है, लेकिन आप लोग को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये थी कि सैमसंग M31S नॉट के सामने कैसा परफॉर्मेंस देता है, मतलब कि आपको स्पीड में या फिर पबजी में या फिर बहुत सारे सिनेरियोज में। तो इस वीडियो में हम दोनों के बारे में बात करने वाले। सबसे पहले हम स्पीड टेस्ट कंपैरिजन कर लेंगे, उसके बाद मल्टीटास्किंग कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत रियल लाइफ टेस्ट बताऊंगा, जैसे कि आपको जीपीयू की स्पीड कैसी है और बेंचमार्क्स कैसे हैं और बहुत सारी चीज़ें। सैमसंग M31S मिलेगा आपको एक्सिनॉस का 9611, एक मिड रेंज प्रोसेसर है। वहीं आपको नॉर्ड मिलेगा स्नैपड्रैगन 765, 5G प्रोसेसर है, बहुत ज्यादा अच्छा कैपेबल प्रोसेसर। इसके सामने तो काफी ज्यादा हार्ड है ये। मुझे मालूम है कि परफॉर्मेंस आपको नॉर्ड काफी ज्यादा बेटर है, लेकिन आपको डिस्प्ले में, साउंड की क्वालिटी में, बहुत सारी चीजों में सैमसंग इसको एकदम ऑलमोस्ट टक्कर देता है और जीत के निकलता भी। डिस्प्ले को अगर आपको जज करना है तो आप ऐसे जज कर सकते हो, डिस्प्ले ज्यादा बेटर कौन लग रहा है आपको, सैमसंग या फिर नॉर्ड? मुझे अगर मैं बताऊँ रियल लाइफ सिनेरियो में, तो सैमसंग काफ़ी ज़्यादा पॉपी लग रहा है। इसका जो आपको कॉन्ट्रास्ट रेशियो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, रेड का जो कॉन्ट्रास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। तो बस स्टार्ट करते हैं अपने स्पीड टेस्ट कंपैरिजन सबसे पहले। और यहाँ पे मैं पॉइंट्स काउंट करता रहूँगा, लेकिन लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई थी मेरे से, तो यहाँ पे मैं आपको एक्चुअल काउंट कर रहा हूँ, एडिटिंग के वक्त करूँगा, देख के करूँगा अच्छे से, तब कोई भी डाउट नहीं होगा इस बार। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जल्दी से। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ दोनों ही फोन की जो ब्राइटनेस आपको फुल पे है, वाईफाई ऑन है इसका, साउंड ऑफ कर देते हैं, ब्लूटूथ ऑफ कर देते हैं इसका। बैकग्राउंड में कोई भी एप्स रन नहीं कर रहा है यहाँ पे, दोनों ही को मैंने क्लियर कर दिया, हर चीज़ सुपर फाइन है, दोनों में सिम नहीं है। सो स्टार्ट करते गीकबेंच टेस्ट से 1 2 3। आपको यहाँ पर नॉर्ड में क्लियर पहले आया है, अब बेंचमार्क करते हैं 1 2 3। इसके लिए वेट करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है, जब तक मैं थोड़ा सा ट्विटर यूज़ कर लेता हूँ अपने फ़ोन्स में। सो नॉट का टेस्ट कंप्लीट हो चुका है, 100% लिख चुका है, और यहाँ पे हो रहा है 69%। नॉट में पॉइंट तो ऐड हो गया है, अब थोड़ा सा देखते हैं कंपैरिजन करके कि कितना ज़्यादा किसका आता है। जो डिफरेंस आने वाला, मुझे लग रहा है कि 200 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। यार बोर हो गया यार। ओके, कंप्लीट हो गया है, और जो आपको डिफरेंस दिख रहा है वो ऑलमोस्ट 250 से ज़्यादा का डिफरेंस है सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में तो कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, 700 का डिफरेंस है भाई। लॉजिकली इन दोनों फोन का कंपैरिजन बनता नहीं है मेरे ख्याल से परफॉर्मेंस का। डिस्क स्पीड की बात कर लेते हैं, 1 2 3। ओके, यहाँ पे आपको नॉट बहुत आसानी से खुल गया था, एक बार स्पीड टेस्ट ले लेते हैं, 1 2 3। ओके, दोनों फ़ोन थोड़ा बराबरी से चल रहे हैं यहाँ पे, अच्छी बात है। सैमसंग हल्का सा आगे निकल रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है देख के। वैसे अगर वेरिएंट की बात कर लें तो आपके यहाँ पर सैमसंग जो है 6+128GB है, और नॉर्ड है 8+128, और नॉर्ड ने भाई यहाँ पे लास्ट में ओवरटेक करके जीत लिया है गेम। नॉर्ड यार ओपी, नॉर्ड को एक पॉइंट और मिलेगा यहाँ पे। तो अगर बात करते हैं रीड स्पीड की, तो ऑलमोस्ट डबल है नॉर्ड में, 1 2 3। ओके, नॉर्ड यहाँ पे जीते हुए नजर आया मेरे को। अब हल्का सा अबाउट फोन खोलते हैं दोनों फ़ोन का, 1 2 3, सेम टाइम। ओके, अब खोलते हैं कैमरा, 1 2 3। नॉट काफ़ी ज़्यादा आ गया है, गूगल असिस्टेंट खोलते हैं, 1 2 3। नॉट ने काफ़ी पहले खोला, 1 2 3। सिमिलर टाइम था दोनों, सेम टाइम था गाना, 1 2 3। नॉट बहुत पहले, नॉट ने लिटरल बहुत पहले खोला है। YouTube म्यूजिक, 1 2 3। नॉट ने पहले खोला है, एक गाना चलाते हैं, 2 3। नॉट ने पहले चलाया था गाना, नॉट को एक पॉइंट। अब बर्नर बीट्स खोलते हैं अपनी खेती, 1 2 3। नॉर्ड ने पहले खोला है काफ़ी पहले, देख ही सकते हो आप, नॉर्ड को एक पॉइंट। एक बार रिफ्रेश करते हैं, 1 2 3। कौन पहले खोलेगा? ओके, इस बार
पहली बार पहला पॉइंट मिल चुका है सैमसंग M31, इसको लैंग्वेज चेंज करते हैं एक बार। इसमें जिनको नहीं मालूम है, हम लोग की जो बर्नर बिट्स एप्लीकेशन है वो हिंदी के अंदर भी आती है, तो आप लोग पढ़ सकते हो हिंदी में भी टेक न्यूज़ एंड ऑल 1, 2, 3। ओके, इस बार आपको यहाँ पर नॉट नहीं खोला है, लेकिन पॉइंट दे चुके हैं हम ऑलरेडी स्पीड के लिए। अब फ्रेश वॉल्स का 1, 2, 3। नॉर्ड ने बहुत पहले खोला है, और अगर एक इमेज खोलते हैं, ये वाली नाइके वाली खोलते हैं। ओके, सैमसंग M31 हल्का सा लोड या फिर आपको यहाँ पर इंटरनेट वाली चीज़ में ज़्यादा जल्दी कर रहा है, तो इसको एक पॉइंट देना बनता है शायद से। दे देते हैं भाई, जीत नहीं रहा ऐसे भी। वॉइस रिकॉर्डर खोलते हैं, वॉइस रिकॉर्डर 1, 2, 3। ओके, सैमसंग पहले था इसमें, सैमसंग पहले था मेरे को ऐसा लगा है 100%। अमेजॉन खोलते हैं 1, 2, 3। ओके, नॉर्ड पहले था यहाँ पे। ओके, ये वाला स्मार्ट वॉच का आपको डील खोलते हैं 1, 2, 3। नॉर्ड पहले था, गैलरी खोलते हैं 1, 2, 3। गैलरी काफ़ी सेम टाइम पे था, गैलरी काफ़ी सेम टाइम पे था। फेसबुक खोलते हैं 1, 2, 3। ओके, कंप्लीट लोड जो हुआ था वो आपको M31S में पहले हुआ था, मतलब खुला पहले था, लेकिन लोड ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है तो लोड का ही मैं मानेंगे। इंस्टा खोलते हैं। ओके, नॉर्ड पहले आया था यहाँ पे। ये वाला चैनल का अकाउंट है, ये वाला मेरा अकाउंट है। 2300 फॉलोअर्स हो गए भाई, 5-6 हज़ार करा दो यार। और ट्विटर की बात करते हैं, नॉर्ड में काफ़ी पहले हुआ था। यूट्यूब खोलते हैं 1, 2। नॉर्ड में पहले, यहाँ पे एक वीडियो चला रहे थे, पतंगबाज वाला वीडियो सही लग रहा है मेरे को, 1, 2, 3। ओके, सेकंड से पता चल रहा है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नॉर्ड ने पहले खोला था, तो नॉर्ड को अगेन पॉइंट, इसको हटाते भाई, कॉपीराइट मत मारना भाई लोग प्लीज़। क्रोम खोलते हैं, क्रोम 1, 2, 3। नॉर्ड में पहले खुला था, नॉर्ड को एक पॉइंट। amazon.in यहाँ पे देख रहा है, उसको खोलते हैं साथ, या फिर यूट्यूब खोलते हैं साथ एक टाइम पे। नॉर्ड में पहले लोड हुआ था, ठीक है, नॉर्ड को एक पॉइंट लोड का। टेलीग्राम खोलते हैं, नॉर्ड में स्लाइटली पहले हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बहुत सारी चीज़ों में। मीट खोल रहे हैं एक बार, इसमें जो कैमरा ऑन होता है तब देखेंगे कि किसका पहले कैमरा ऑन होता है। नॉर्ड का काफ़ी पहले, नॉर्ड बहुत ज़्यादा पहले है। प्ले स्टोर, नॉर्ड काफ़ी पहले है भाई, नॉर्ड काफ़ी ज़्यादा आ गया है यहाँ पे, तो पॉइंट की बरसात हो रही नॉर्ड के लिए। ओके, मेरे को बुरा लग रहा है बेचारे M31S के लिए अभी थोड़ा सा। एंग्री बर्ड 2 एक साथ ये खो, क्लिक करते ही नॉर्ड में खुल गया भाई, नॉर्ड तो अलग ही ओपी है। अब इसको इंस्टॉल करते हैं एट द सेम टाइम, 1, 2, 3। नॉर्ड का डाउनलोड स्पीड हो चुका है स्टार्ट 7% पे, नॉर्ड 8%, M31S है 9%। M31S काफ़ी ज़्यादा कोप अप कर रहा है, M31S आगे भी निकल चुका है। ये काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लगा देख के, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इंटरनेट वाले चीज़ें होती हैं या फिर जो लोड वाली चीज़ होती है, जैसे कि ट्विटर पे लोड कर रहा है या फिर इंस्टा पे लोड कर रहा है या फिर यहाँ पे डाउनलोड ही हो रहा है, इन सब में M31S बेटर है भाई काइंड ऑफ। लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं क्योंकि नॉर्ड भाई धोखा देने में काफ़ी आगे है। देखो अभी ओवरटेक कर ही लिया इसने, जैसे नॉर्ड की बेइज्जती करो भाई, ये नॉर्ड उछल के आ गया था आगे, क्या कैसे बोला मेरे को। स्टिल M31S काफ़ी ज़्यादा कोप अप किया हुआ है इसके साथ, एक्जिनोस आपको टाइम लेगा ज़्यादा, लेकिन एक्जिनोस आगे निकल चुका है यहाँ पे, और M31S ने पहले डाउनलोड कंप्लीट कर लिया है, नहीं सेम टाइम पे हुआ है, बिल्कुल सेम टाइम पे। ओके, और इंस्टॉलेशन में पता ही था मुझे कि आपको यहाँ पर नॉर्ड काफ़ी आगे निकल जाएगा, तो पॉइंट मैं देना चाहूँगा यहाँ पे, एकदम सीरियसली पॉइंट मैं देना चाहूँगा 9611 को। जो इंस्टॉलेशन वाला चीज़ है वो प्रोसेसर के ऊपर था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगाया M31S ने, लेकिन डाउनलोड बिल्कुल सेम टाइम पे अभी पहले किया है, तो M31S को पॉइंट एक मैं देना चाहूँगा इंस्टॉलेशन के लिए। परफॉर्मेंस के लिए पॉइंट दे चुके हैं बहुत बार नॉर्ड को, और नॉर्ड में भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, गेम्स को यहाँ पे मेन्यू भी नहीं दिखाता है। पबजी आपको यहाँ पे कहीं दिखेगा, सबवे सफर भी नहीं दिखेगा, मेरे को बार बार वहाँ पे लाके रखना पड़ रहा है, वो अपने आप हट जाता है, पता नहीं क्या सीन है। देखो ये कुछ दिक्कत लग रही है आपको, ऑक्सीजन वैसे में अपन कुछ ऐसा नया सेटिंग वेटिंग होगा। तो अब आपको यहाँ पे काइन मास्टर ओपन कर लेते हैं, और एट द सेम टाइम सेम वीडियो इसमें लोड करेंगे। पहले ओपन करते हैं 1, 2, 3।
ओके सेम टाइम हल्का सा नॉट आगे था, नॉट को पॉइंट ही मिला। जो काइन मास्टर ऑटोमेटिकली एनालाइज करता है उसके हिसाब से, काइन मास्टर के हिसाब से सैमसंग M31S ज़्यादा बेटर है एक्सपोर्ट में। उसने आपको ज़्यादा बड़ा रेजोल्यूशन दिया है, फुल एचडी 1080p में आपको एक्सपोर्ट करेंगे एट द सेम टाइम 1, 2, 3। और जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं हमेशा माइंड में ये रखिए कि 8000 का प्राइस डिफरेंस है दोनों ही फ़ोन में, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो नॉर्ड ने एक्सपोर्ट कंप्लीट कर लिया अपना एक पॉइंट, और M31S में अभी टाइम लगेगा। M30S का एक्सपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, काफ़ी लेट, काफ़ी पीछे। अब बात करते हैं पबजी की, पबजी कौन डाउनलोड करता है, तो आंसर शायद आपको मालूम होगा। स्टिल 1, 2, 3। ओके नॉर्ड में क्लिक ही नहीं हो पाया, नॉर्ड का टच रिस्पॉन्स मुझे कम लगा इसमें। ओके अब खोल लेते हैं पबजी इन दोनों ही फोन में, 1, 2, 3। ओके देखते हैं कौन पहले खोलता है पबजी। दोनों ही में आपको अलग अलग अकाउंट से लॉग इन है। नॉर्ड बहुत आ गए, नॉर्ड में खुल चुका है पबजी, और इसका साउंड कर देते हैं कम। और सैमसंग M31S में तो भी खुल ही रहा था, खुल गया है, नॉर्ड को एक पॉइंट। सभी सफर खोलते हैं 1, 2, 3। इसकी ब्राइटनेस इतनी लो क्यों लग रही है, अचानक से लो लगने लगी। सभी सफर भी खुल चुका है आराम से नॉर्ड के अंदर, पॉइंट खेलते हैं दोनों फोन में। तो टेस्ट कंप्लीट होने के बाद आपको ये वाला रिजल्ट आया है। अब बात करते हैं मल्टीटास्किंग की। मल्टीटास्किंग में आपको सबसे पहले खोलेंगे गूगल क्रोम, खोलते हैं क्रोम में हमने यूट्यूब खोला था 1, 2, 3, दोनों ही में लोड किया हुआ था, अच्छी बात है 1, 2, 3 दोनों ही फ़ोन ने लोड किया, लेकिन नॉर्ड ने काफ़ी ज़्यादा पहले लोड कर लिया। मुझे अभी तक M31S का आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग अच्छा लग रहा है 1, 2, 3। दोनों ही फ़ोन ने आपको यहाँ पे लोड किया हुआ था, हल्का सा स्लो लग रहा है M31S बस, लेकिन लोड आपको यहाँ पे मिल रहा है वो अच्छी चीज़ है 1, 2, 3। दोनों ही ने लोड किया हुआ था सेम जगह पे सेम टाइम पे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा। तो हाँ मल्टीटास्किंग M31S का इम्प्रेसिव है, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो नॉर्ड का ऑलमोस्ट डबल है M31S से। और जो प्राइसिंग में M31S आपको मिल रहा है उसके हिसाब से इसका परफॉर्मेंस थोड़ा सा मुझे कम लगा, लेकिन बाकी सब चीज़ में जैसे कि आपको इसका कैमरा या डिस्प्ले है उन सब में आपको नॉर्ड को काफ़ी अच्छा पीछे किया हुआ है। इसका आपको यहाँ पर कंपैरिजन वीडियो जल्दी आएगा। सो दोनों ही फोन आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टाइम से चल रहे हैं। अब इसका ना हम लोग हल्का सा हीटिंग टेस्ट ले लेते हैं। सो M31S काफ़ी ज़्यादा हीट हो चुका है, यहाँ पे आपको 40.4 डिग्री आ रहा है। और अगर बात करते हैं नॉर्ड की जिसके अंदर कवर लगा हुआ था, तो हल्का सा हीट आपको यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा देखने को, लेकिन स्टिल नॉर्ड में आपको जो हीटिंग आई है वो काफ़ी कम आई है। यही खासियत होती है भाई स्नैपड्रैगन प्रोसेसर्स की, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल रहते हैं। सो इतना ही कुछ था इन दोनों के आपको स्पीड टेस्ट और बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में। होपफुल आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। आप लोगों को जो विनर है वो आपको यहाँ पे नॉर्ड निकल के आता है 8000, भाई प्राइस ज़्यादा है लेकिन वो परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ M31S की, तो इसका मल्टीटास्किंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और जो आपको सोशल मीडिया एप्लीकेशन हैं वो भी बहुत अच्छी तरह से खुलती हैं, बहुत अच्छी तरीके से चल जाती हैं, और कुछ कुछ चीज़ों में आपको यहाँ पर नॉर्ड को पीछे भी किया है। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।